पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हाउस में किया गृह प्रवेश। यहां रहने वाला कोई मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर सका है कार्यकाल। नई शिक्षा नीति के पूरे हुए एक साल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। बीएससी येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, नए सीएम का जल्द होगा ऐलान। यूपी चुनाव से पहले राकेश टिकैत का ऐलान, कृषि कानून के विरोध में लखनऊ का होगा घेरा। ओलंपिक में परचम लहराकर लौटे सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू, एयरपोर्ट पर भारत माता की जय नारे के साथ हुआ स्वागत। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। पंतनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह जिले के 3 दिवसीय दौरे के बाद देहरादून रवाना हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जिले को करोड़ों की सौगात दी है, साथ ही अधिकारियों के साथ प्रदेश में चल रही विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से देहरादून को रवाना हुए और इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हरिद्वार के रावली महदूद में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाल कर पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस तेलू राम प्रधान का स्वागत सम्मान किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हरिद्वार का युवा वर्ग पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ है और हाई कमान से मांग करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया जाए। युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आज इस पदयात्रा के जरिए युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जनता से अपील की है कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को जवाब देने का वक्त आ गया है। वहीं हरिद्वार के शिव मंदिरों में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कोरोना के चलते इस साल मंदिरों में भक्तों की ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। शिव का ससुराल खनकल के दशेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना के चलते कड़े प्रबंध किए हैं। यहाँ आज जो पूर्ण रूप से गाइडलाइन का पालन हो रहा है, अधिकतर लोग मास्क वगैरह लगा कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ ने राजा दक्ष को ऐसा वरदान दिया था कि एक महीना श्रवण मास में मैं यहीं पे। आज सावन का पहला सोमवार है। पहले सोमवार को ऋषिकेश के शिवालयों में शिव भक्त बड़ी संख्या में शिव की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का मंदिर में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर मंदिर, चंद्रेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त बारिश में भी कतारों में खड़े नजर आए हैं। तो ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव और सोमेश्वर मंदिर, बात की जाए चंद्रेश्वर मंदिर में, तो वहां भी जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त बारिश में भी कतारों में खड़े नजर आए हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का मंदिर में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के वीरभद्र में जहां महादेव, सोमेश्वर मंदिर और चंद्रकेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त बारिश में भी कतारों में यहां पर नजर खड़े आए हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण मींग विनायक बोनाली मोटर मार्ग जगह जगह धस गई थी, जिसके चलते काफी समय तक आवागमन बाधित रहा है। वहीं बाद में सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन सुरक्षा दीवार को नहीं बनाया गया था, जिससे कि अब ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। वहीं सोमवार को मींग गांव में हुई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की आपात बैठक में लोगों ने बताया है कि बार बार शासन प्रशासन को सड़क के खस्ता हाल होने की जानकारी दी जाती है, लेकिन अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। वहीं अब इस बैठक के बाद एसडीएम के से मामले की शिकायत की जाएगी। ये रोड बंद पड़ी हुई है। हमने गड़कोट में जनता दरबार लगा था डीएम साहिबा का, हमें वहाँ भी उनसे अनुरोध किया साहब हमारी रोड खोल दी जाए। वहाँ उस दरबार में एक्शन सीडीओ सब लोग थे, उनने हमारी बात को स्वीकारा भी, परंतु आज रोड ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। कार्रवाई नहीं हुई तो हम कल जो है थराली जाके विज्ञापन देंगे, उसके बाद जो है नहीं होगा तो फिर हम आंदोलन के लिए पूरी क्षेत्रीय जनता मींग बनोली विनायक जो है आंदोलन के लिए बाध्य। नमस्कार, प्राइम टीवी के लिए मैं आज जनपद चमोली के दूरा क्षेत्र पिंडर घाटी में आया हूँ और ग्राउंड जीरो पे हम इस समय
मींग धेरा मींग बैनोली विनायक की जो ये मोटर मार्ग है ये 2018-19 में बननी शुरू हुई थी और अभी इसी साल जो ग्रामीणों ने बताया कि अप्रैल में ये विभाग PMJSY के हैंड ओवर हो गए थे और अभी जो शासी अभियंता PMJSY की हमने जो वार्तालाप की तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने अप्रैल में जैसे ही कार्य निर्माणदायी संस्था के हैंड ओवर लिया उसके बाद NPCC के लिए निर्माण हैंड ओवर कर दिया था और इस रोड की जो बहुत खस्ता हाल है बहुत दयनीय हालत में ये रोड है और एक महीने से लगभग ये रोड यातायात के लिए बंद है और यहाँ के ग्रामीण जो है आज उन्होंने बैठक की और ज्ञापन देने वाले भी हैं। उनका ये कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी विभाग अगर इस रोड को नहीं खोलता है आवागमन के लिए तो ये आंदोलन के लिए बाध्य होंगे तो हम यहाँ के लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। जिले के भूमाफिया अब सरकारी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। वन विभाग की जमीन पर भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं लेकिन वन विभाग के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। दरअसल सुमन नगर से जाने वाली सड़क के बराबर वन विभाग की खाली जमीन पड़ी हुई है जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। मामला सामने आने के बाद DFO नीरज कुमार जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कावड़ यात्रा स्थगित होने के बाद लक्सर जिले की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले की सीमाओं पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं सावन के पहले सोमवार को देखते हुए खास सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। लक्सर से सटे उत्तर प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाले बॉर्डर पर PSC सहित अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के साथ ही CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। बाहरी राज्यों की गाड़ियों की उत्तराखंड के बॉर्डर खानपुर नारसन बालावाली पर चेकिंग के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के चलते सरोवर नगरी और उसके में जमकर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि बारिश के बाद आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। इस सब के बावजूद पर्यटकों ने बारिश में पर्यटन स्थलों का लुफ्त उठाया और नौका विहार का आनंद भी लिया है। बारिश के दौरान कई जगहों से भूस्खलन की खबरें भी सामने आई हैं लेकिन इससे जानमाल की हानि नहीं हुई है। जिला मंडल मुख्यालय को जोड़ने वाले हल्द्वानी कालाढूंगी व भवाली सड़क पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और पत्थर गिरने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। नैनीताल के रिक्शा स्टैंड चौराहे पर सफाई कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री बंधीधर भगत का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार जब तक उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। रुकते अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके में आए दिन मवेशी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह है कि अवैध तरीके से वन विभाग की जमीन पर लोग रह रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों का ये कहना है कि वन विभाग की जमीन पर गुज्जर अवैध तरीके से रह रहे हैं। रात होते ही ये लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं जिससे मोटर मार्गों पर चलने वाले वाहनों की चपेट में आकर इनकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही गुज्जर लोग बाहर से आने वाले लोगों के शरण देते हैं जिससे कि वाहनों का आवागमन भी रहता है। वहीं विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के लिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से हिंदू संगठन भड़क गया है। ऋषिकेश में गौरा देवी चौक पर हिंदू संगठनों के लोगों ने टिप्पणी करने वालों का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन से अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें कि 2 दिनों पहले सोशल मीडिया पर समुदाय विशेष के युवक के द्वारा बद्रीनाथ धाम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिसके बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश है। भगवान बद्रीनाथ हमारे इष्ट देवता है, उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया में एक समुदाय के व्यक्ति द्वारा बहुत कुछ बोला जा रहा है जो की तथ्य अधीन है, बिल्कुल उसका कोई नहीं से सरोकार नहीं है। उस व्यक्ति के खिलाफ हमारे छोटे भाई कृष्णा भड़ोनी द्वारा ढालवाला चौकी में तहरीर भी दे दी गई है और हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि इस व्यक्ति की जो है ढूंढ की जाए और ये व्यक्ति कौन है। रुड़की जिले के गन्ना किसान शुगर मिल से भुगतान न किए जाने से लोग परेशान है। किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें इलाज करवाने के लिए अपने घरों को बेचना पड़ रहा है। तानशीपुर गांव के रहने वाले किसान ने बीमारी के चलते अपने घर को
बेचने पर वो मजबूर है और इस बात की जानकारी मिलते ही किसान कामगार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर उसका हालचाल जाना और इसके बाद उन्होंने मिल प्रबंधन से मिलकर किसानों के बकाया भुगतान की बात कही है। मिल प्रबंधन ने बताया है कि एक हफ्ते के अंदर जो भी बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो हमारे जो जीएम साहब हैं शर्मा जी, इन्होंने फैक्ट्री इतनी बढ़िया चलाई हमारी है कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में पहला नंबर ले लिया। इन्होंने परमिट हो गया सारा, कोई परमिट नहीं बचा, बाकी पुराना परमिट जो बचाया उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक मामला यहाँ का तंसीपुर का था, एक किसान था, उसने अपने मकान पर लिख कर लगा दिया था कि मेरा मकान बिका हुआ, कैंसर का बहुत बड़ा पीड़ित था, उसके 8.5 लाख रुपये मील पर ड्यू है। तो ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे नुका रहे हैं आपका भी सहयोग लेंगे, सब किसानों का सहयोग लेंगे। भाई जितना पैसा हमारा पड़ा है बैंक में पड़ा है, जो डीएम खाते में पड़ा है, कुछ पड़ा है, कोर्ट तक उनका आदेश करा वो दुआओगे, एक साल का तो कम मिल जा। अध्यक्ष जी का मेरे पास कल फोन आया था कि जो तानसीपुर गाँव है, तानसीपुर गाँव में कुछ श्यामवीर जी हैं, तो श्यामवीर जी के यहाँ पर उनके भाई को कैंसर है, उनका 2 साल का पेमेंट फैक्ट्री के ऊपर बताया हुआ है। फैक्ट्री के ऊपर तो 2 साल का पेमेंट सभी किसानों का बताया है, लेकिन उनकी स्थिति कुछ ज़्यादा थी, उन्होंने शायद अपने मतलब जितना खर्च करना चाहते उतना खर्च भी हो गया उनका, काफ़ी लगभग 8-10 लाख रुपये के आसपास उनका लग गया, और कुछ अभी पेमेंट भी उन सब चीज़ को देखते हुए तो आज बात थी कि 11 बजे आपके पास आएंगे। तो मेन मकसद यही है कि उन लोगों का जिसका पेमेंट हो सकता है उनका लगभग 8 लाख 8.5 लाख के आसपास का पेमेंट बाकी है, जितना फैक्ट्री से ज़्यादा ज़्यादा पेमेंट उनका हो सकता हो, ताकि उनको ऐसे टाइम पे एक मतलब ऐसी घड़ी उनके साथ में एक कैंसर तो होना। रुकते अगली खबर की ओर, रुद्रप्रयाग के उखीमठ नगर पंचायत क्षेत्र के सफाई कर्मियों ने बाजार में जुलूस निकालकर सरकार का पुतला दहन किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से प्रदेश भर के सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि सफाई सरकार हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है तो ये प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होगा। इसके अलावा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इन दिनों चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। आप कार्यकर्ता प्रदेश की कई विधानसभा में जाकर केजरीवाल मॉडल की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की गारंटी कार्ड के बारे में जानकारी दे रहे हैं और साथ ही क्षेत्र की जनता से वहां की समस्याओं को लेकर बातचीत कर राज्य में सरकार बनने पर उन समस्याओं के समाधान करने की बात भी कह रहे हैं। देखा जाए तो जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह भी नजर आ रहा है। आप कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों से काफी संख्या में इस मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण करवाया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने लंबे समय बाद भू कानून की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर आज शहीद स्थल झूलाघर पर शहर के तमाम राज्य आंदोलनकारी एकत्रित हुए और उन्होंने भू कानून को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार भू कानून की मांग बढ़ती जा रही है। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा है कि सशक्त भू कानून राज्य में लागू किया जाना चाहिए और हिमाचल की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी कानून लाया जाए। ये हम जावर खड़े हैं, ये वो पावन धाम है और शहीदों की वो शहादत स्थल है जहाँ उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जो है 7 आंदोलनकारी शहीद हुए हैं और यहाँ से ही निर्णायक आंदोलन शुरू हुआ, उत्तराखंड राज्य बना। आज 21 साल हो गए हैं और 21 सालों में आंदोलनकारियों ने ये महसूस किया है कि जो ये जिन भी पार्टियों की सरकार बनी है उन्हें क्या सत्ता भोगी है और उत्तराखंड के जो तमाम संसाधन हैं उनको भारी ताकतों के हाथ बेच दिया है और उत्तराखंड जो है बर्बादी की कगार पर है, जो सपना उत्तराखंड। वहीं हरिद्वार में कई युवाओं ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष तेलू राम प्रधान की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है और इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस तेलू राम प्रधान ने बताया है कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों और भाजपा की गतिविधियों को देखते हुए आज युवाओं में भाजपा के प्रति भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते आज युवाओं ने एक मन बनाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है जो सबके हित के विषय में कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार जनमानस
कांग्रेस की तरफ झुकाव है। आज सैकड़ों युवाओं ने जिस प्रकार कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, यह निश्चित रूप से एक संदेश है कि 2022 की सरकार कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। और मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं सभी साथियों को और उत्तराखंड सरकार को कि जिस प्रकार युवाओं का रुझान, जिस ओर युवा चलता है उस ओर कहानी चलती है, और उस ओर ही जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ही जो है जमाना चलता है। तो इसी मुहावरे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जवानी और जमाना कांग्रेस की तरफ चल। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।